हमने अपने घरों में चींटियों को चलते तो जरूर देखा है, खासकर उन जगहों पर जहां कुछ खाने को मिलता है। बहुत कम समय में बड़ी संख्या में चींटियां उस स्थान पर जमा हो जाती है और उस भोजन का सेवन करना शुरू कर देती है। उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि वे एक लाइन में यात्रा करते हैं, जैसे कि उनके लिए एक निशान बनाया गया है और वे इसके माध्यम से चल रहे हैं। तो चींटियां एक लाइन में क्यों यात्रा करती है और वो रेंडमली इधर उधर क्यों नहीं भागती? तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले जानते हैं चींटियों के बारे में। एंट्स एक सोशल इंसेक्ट्स है और बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं। हमें अक्सर लाल चींटियों को अपने घरों की दीवारों के अंदर अपने कॉलोनीज का निर्माण करते हुए देखा है। वे भोजन की तलाश में बड़ी दूरी तय करते हैं और इसके अलावा वे किसी भी मैप या नेविगेशन का उपयोग नहीं करते हैं और केवल रास्ता खोजने के लिए अपने खुद के मैकेनिज्म पर निर्भर करते हैं। तो वे एक लाइन में कैसे चलते हैं? फूड सोर्स से घर लौटने वाली चींटी ट्रेल फेरोमोन्स को छोड़ देती है, जो कि अन्य चींटियों द्वारा स्मेल किया जाएगा। वे इस निशान का फॉलो करेंगे और इस तरह घर लौटने वाले प्रत्येक वर्किंग एंट्स को अपने अब्डोमिनल ग्लैंड से ट्रेल फेरोमोन्स जारी करना होगा। जब तक फूड सोर्स मौजूद है, तब तक ट्रेल्स फेरोमोन्स की सीक्वेंस बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक बार भोजन के सोर्स का सेवन करने के बाद लौटने वाली चींटियां रास्ते में कोई ट्रेल फेरोमोन्स नहीं छोड़ेंगे और लास्टली ट्रेल फेरोमोन्स के सीक्वेंस फीकी पड़ जाएंगी। वर्कर एंट्स पाथ को फॉलो करना बंद कर देगा और अधिक भोजन के लिए अपनी खोज शुरू करेगा। चींटियों के अन्य स्पीशीज की तरह लाइक आर्मी एंट्स पूरी तरह से अंधी है और हजारों या लाखों की ताकत से कॉलोनीज में रहती है। ये केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें केमिकल फेरोमोन्स होते हैं, उनका उपयोग करके अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से फोरेजिंग रेट करते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों चींटियां एक ही लाइन में चलती है। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।